लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा कर लोको पायलटों से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने दावा किया था कि लोको पायलटों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने उत्तर रेलवे के लोको पायलट रनिंग रूम का जायजा लिया और जाना कि सरकार की तरफ से लोको पायलटों को किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वही रूम है लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोको पायलट से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने लोको पायलट्स को रेलवे की रीढ़ बताया और साथ में बोला कि उनको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। रेलवे की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि लोको पायलट्स को वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे एज ऑफ नाउ कोई समस्या नहीं है। खाना उनको अच्छा मिल रहा है, जिस कमरे में रेस्ट कर रहे थे वो एयर कंडीशन रूम है। और हम इस समय उत्तर रेलवे के एक लोको पायलट लॉबी पर हैं और हम चल के देखते हैं कि जो सुविधाएं लोको पायलट्स को जो मिलती हैं वो किस तरह की हैं। हम अब आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं जो लोको पायलट्स की कैंटीन है, जहां पर लोको पायलट्स खाना खाते हैं। लोको पायलट्स का जो सब्सिडी के साथ भोजन का एक मेन्यू है, उसकी एक यहाँ पे बोर्ड है जिसमें आप देखिए सोमवार मंडे से लेके और संडे तक की मील लिखी हुई है। साथ में ये देखिए, अगर इंडियन रुपीस में 5.80 रुपये के का एक कूपन है जो उनको मिलता है, जिसके बाद उनको खाना मिलता है, और 1 फूड कूपन 1 मील, यानी कि एक कूपन के साथ ही खाना है। और साथ में अगर किसी तरह की उनको चेंजिंग भी करनी है तो सजेशन बुक्स भी हैं। समय 3 कुक को देख सकते हैं जो लोको पायलट्स के लिए खाना तैयार करते हैं। और इस वक्त जो अगर एक थाली है जो अभी लगी हुई है, मेरे कैमरा सहयोगी अजीत दिखाएंगे, इसमें सब्जी है, दाल है, रायता है, चटनी है और अचार है और सलाद है, और वहाँ रोटियाँ बनती हुई देखिए वो। यहाँ पर प्रॉपर ताज़ा खाना बनाया जाता है, गरम गरम रोटियाँ लोको जो पायलट्स हैं उनको खिलाई जाती है। और जो खाने की क्वालिटी है इसको देखकर कहा जा सकता है कि खासा उमदा खाना लोको पायलट्स को मिलता होगा। हम आपको लेकर चलेंगे लोको पायलट्स के उन रूम में जहाँ पर वो आराम करते हैं। ये लोको पायलट्स का रूम है जहाँ पर लोको पायलट्स ड्यूटी के बाद आकर आराम करते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 लोको पायलट्स इस समय मौके पे आराम कर रहे हैं। माफ़ी चाहते हैं हम आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और देखिए यहाँ पर लोको पायलट्स हैं। सर आप कहाँ से आए हैं और नाम बताएंगे, कौन सी ट्रेन लेके आए हैं? अच्छा सर, हम सुबह से आए हैं, हमारा हेडक्वार्टर लुधियाना है, क्रांति एक्सप्रेस आती है हमारे यहाँ से 1:24:46, उसको लेकर के आए हैं। सर अभी आए हैं क्या? नहीं, हम तो सुबह के आए हैं। सारी सुविधाएँ मिल रही हैं? हाँ जी, सब मिलती हैं। एक और लोको पायलट हैं, सर आप कौन सी ट्रेन लेकर आए हैं? हम ये क्रांति लेकर आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? लुधियाना से। यहाँ आने के बाद वो सारी सुविधाएं, खान पान, आराम, बाकी सारी सुविधा सरकार की तरफ से मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। आप खुद से कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। तो कुल मिला के कहा जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि लोको पायलट्स भारत की रेलवे की रीढ़ है, उनका वो बयान कि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो जिस तरह से हमने लोको पायलट से बात की और लोको रनिंग रूम में जो लॉबी है जहां पर ये आराम करते हैं वहां पर हमने देखा, तो वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अभी हम आपको लेकर चलते हैं यहां पर किस तरह की लाइब्रेरी है और यहां पर और वो कौन सी सुविधाएं इन लोको पायलट्स को मिल रही हैं। हम देखेंगे तो बाकायदा कुछ अखबार आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, जिसमें आप देखिए हिंदी के अखबार हैं और अंग्रेजी के अखबार भी हैं। और यहाँ पर लोको पायलट्स अगर उन पे समय है तो वो अखबार पढ़ते हैं और जो रूटीन की खबरें हैं उनको देखते हैं। साथ में ये देखिए लाइब्रेरी भी है यहाँ पर, उनके पढ़ने के लिए किताबों की भी सुविधा है। तो ये वो लाइब्रेरी है जो लोको पायलट्स अगर उनके पास समय है और पढ़ना लिखना चाहते हैं तो उनको लाइब्रेरी की वो किताबें भी पढ़ने को मिल सकती हैं। तरह से राहुल गांधी ने दावा किया नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कि लोको पायलट्स को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन जिस तरह से डीडी न्यूज ने एनसीआर और नॉर्दर्न रेलवे का जो ये लोको पायलट लॉबी सेट से हमने यहां पर जो देखा वो राहुल गांधी के दावों से इतर चीजें दिखाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय रेल में लोको पायलट्स हैं और जो लोको पायलट्स यहां पर आकर अपनी फर्ज के साथ साथ यहां आराम कर रहे हैं उनको भारतीय रेल वो सारी सुविधाएं दे रहा है। कैमरामैन अजीत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं का लोकसभा में